देखिए, अब ये तो तय सी बात है, आप इसमें किसी को दोष मत दीजिए, आप बल्कि ये कहिए कि हाँ, भाजपा ने अपने संगठन को बड़े मजबूती से खड़ा किया है, उनका संगठन ग्रास रूट लेवल पे बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, चुनाव में काम करने की जो का जो मैकेनिज्म है, वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है। बूथ, पन्ना, गली, इस लेवल पर जो उनका मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो उस लिहाज से उन्होंने विधानसभा चुनाव में सारी अपनी एंटी इनकम्बेंसी जो थी, जो उनके प्रति हो सकती थी, उसको उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया, और अच्छी खासी मार्जिन उन्होंने ली है और कड़ी टक्कर से विजयी हुए हैं। ये जरूर है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने कैडर के हिसाब से चीजों को बहुत संयोजित करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए। अब जहां तक बात एमएलसी चुनाव की है या राज्यसभा के सांसदों के चुनाव की है, ये तो आप तय मानिए कि ये तमाम जो चुनाव हैं, इनका तो सीधा सीधा एक ही जोड़ तोड़ का गुणा गणित जो कहिए आप, वो होता है कि आप जैसे तैसे भी हथिया लें, गठिया लें, लपेट लें, अपनी तरफ कर लें। एक समय था जब ये स्नातक चुनाव कहे जाते थे, और ये कहा जाता था कि अरे, इसमें बहुत पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग, संभ्रांत लोग, एकेडमिशियंस, इनको आना चाहिए। लेकिन अब तो ये है कि अगर आपके पास जोर है, ताकत है, पैसा है, तो आप टिकट भी ले आएंगे, आप जीत भी जाएंगे, आप लोगों को खरीद भी लेंगे, खरीद फरोख्त भी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी नहीं, हो सकता है कि शपथ ग्रहण के तत्काल बाद, अभी तो शपथ ग्रहण में 4 दिन 5 दिन का समय है, कुछ एक बड़ी संख्या जो है वो सपा के विधायकों की टूट कर चली जाएगी, और भाजपा के लोग उसको खरीद लें, टूट तोड़ लें, या जो भी माध्यम अपनाएं उसके लिए, ये अवश्यंभावी है। वो अपनी जी संख्या को सर, 300 के पार ले जाएंगे, और उसके लिए आपको किसी ने रोका नहीं है। राजनीति में ये कहा जाता है कि यहाँ पर न रिश्ते, न नाते, न विश्वास, न धर्म, कुछ भी स्थिर नहीं है, और जब ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, राजनीति कहाँ से स्थिर होगी? तो जी सर, ऐसे समय में अगर आप राजनीति में साम दाम दंड भेद से लड़ना नहीं जान सकते हैं, आप लड़ नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप पराजित हो जाएंगे, आप हाशिए पे कर दिए जाएंगे। तो लड़ना तो आपको जी होगा, सर, और उन्हीं ठीक है मानकों सर, से लड़ना होगा, उन्हीं अस्त्रों से लड़ना होगा। देखिए, राजनीति में आप दूसरे के पिच पर और दूसरे के बुलावे पर आप जाके बैठ नहीं कर सकते हैं। मैं वही अभी जो कह रहे थे, बिल्कुल वही उदाहरण दूंगा। आप राजनारायण जी को अगर याद कीजिए, इन लोगों को, सभी को मेरे समझ से वो राजनीतिक परिदृश्य याद होगा कि उस जैसा लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, और उसी ने इंदिरा गांधी को मात दी थी। उसके बाद ही हिंदुस्तान में एक विपक्ष विपक्ष के नाम पर खड़ा हुआ था, चाहे वो जैसा भी था, चाहे वो एक संगठित विपक्ष न हुआ, एक एक बहुत ही बिखरा हुआ विपक्ष हुआ, लेकिन उस विपक्ष ने उस समय इंदिरा गांधी की सत्ता को पलट के रख दिया, और एक व्यक्ति की लड़ाई से। तो आप अगर लड़ नहीं सकते हैं, आप ये सोचेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं साहब, आप राजनीति में सफल नहीं हो सकेंगे, ये भी तय है। दूसरा ये कि आप दूसरे की टर्फ पर नहीं खेल सकते, आपको अपनी टर्फ पर, अपनी शर्त पर राजनीति करनी होगी, आपको अपने लिए लड़ना होगा। आप बाहर निकलेंगे, आप खड़े होंगे, आपके 150 विधायक हैं, आप उन्हें लेके खड़े हो जाइए, जहां खड़े हो जाएंगे वहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इस मुगालते में मत रहिएगा कि आप एमएलसी चुनाव क्या, आगे पंचायत चुनाव और जो भी आगे के चुनाव होंगे, कहीं आप खड़े खुद को देख पाएंगे? राजनीतिक लेकिन अखिलेश परिदृश्य यादव आपका आजमगढ़ लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ गए हुए हैं,
तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से वो वापस से अब कुछ और जगहों के अपने दौरे वगैरह शुरुआत करें, उससे फर्क पड़ेगा सर? अब देखिए करना तो पड़ेगा, और आपको अगर पसीना नहीं बहाना आता है और आपको अगर जमीन पे उतरना नहीं आता है तो आप अपने कार्यकर्ता से अगर लगातार नहीं मिल रहे हैं, संपर्क नहीं कर रहे हैं, धरातल पर नहीं है, रोज आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो आप ये हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स जो है वो नहीं आप कर पाएंगे और वो चलेगी भी नहीं, क्योंकि इतना मजबूत बृहद संगठन भाजपा ने खड़ा कर दिया है वो संघ की वजह से, अपने संगठन की वजह से, और उसके बाद आपको इतनी सारी वो दे दी है बॉलिंग पिच कि जब भी आप खेलने की कोशिश करेंगे वो आपको अपनी शर्तों पर, अपनी स्पिन पर, अपनी गुगली पर खिलाएंगे। अब आप अगर वहां खेल गए, आपने वही करना शुरू कर दिया जो वो चाहते हैं, तो आप अपनी मौलिकता, जैसे अभी जयगम जी कह रहे थे और अजय जी कह रहे थे कि आप मायावती की तरह आपने अपना वो छोड़ा, आप उनकी पिच पर गए, आपने वहां जाके कहा कि जी सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हानि खत्म हो गई आपकी, तो जाहिर सी बात है। हाँ ये है कि उत्तर प्रदेश में दबंगई कुछ हद तक तो चलती है, राजा भैया एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हार गए चुनाव कोई बात नहीं, लेकिन उस आदमी की दबंगई चलती है, उस तरीके के लोग अन्य क्षेत्रों में भी हैं, बृजभूषण शरण शुक्ला हैं, बाकी तरफ आप चले जाइए हर एरिया में आप देख लीजिए लोग हैं जो अपने क्षेत्र के छत्रप हैं और जी, वो जी, लड़ते हैं, लड़ाते हैं लोगों को, लोग उनसे सुरक्षा पाते हैं, तो ये मानसिकता अभी उत्तर प्रदेश से एकाएक नहीं चली जाएगी। उत्तर जी, प्रदेश पॉलिटिकली और पॉलिटिकल एक्टिवेशन के मामले में अभी केरल तमिलनाडु और बंगाल नहीं बन जाएगा, जी अभी भी यहाँ पर वो मैच्योरिटी आने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको उसी स्तर पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा, और आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे, आप निकल के नहीं आएंगे सड़क पे, तो आप फिर ठीक है, आपके लिए अच्छा डब्बा एक घर बना हुआ है, आप उसके अंदर रहिए, अपने कंफर्ट जोन में जी रहिए, सर, फिर आप राजनीति ही करने की सोचिए मत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।